बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 66 उम्मीदवारों की यह लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट में कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता ही उम्मीदवारों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, उम्मीदवारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी में एक नाम है रघुवर दास की बहू का, जिनके खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और खुले स्वर में जो है वो रघुवर दास की बहू को टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है। ये विरोध कहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये क्या कुछ कहते हुए विरोध कर रहे हैं, इसकी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं लाला जुबीन, उनका रुख करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। लाला जुबीन, रघुवर दास की बहू इस बार जमशेदपुर पूर्वी से चुनावी मैदान में है, लेकिन विरोध शुरू हो गया है उनको टिकट देने का, क्या है पूरा माजरा? इसके बाद जो है जो ये भारतीय जनता पार्टी जो पूरे दिनों में जो है एकदम विरोध दे रहे हैं, एकदम रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये विधानसभा नहीं पा रहे हैं, ये सारे विधानसभा पार कर रहे हैं कि इस तरीके की सभी विधानसभा में लोगों का विरोध जो है जारी रहना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो पिछले दिन जो है यहाँ पर काफी लोग देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ तक ये बात हो रही है कि अब एक चीजा नहीं बल्कि कई चीजा जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। घोषणा के बाद ही जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का विरोध देखने को मिला है। इसमें सबसे आगे जो है वो श्री शंकर जी जो है वो समाज सेवी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है और उन्होंने अपने घर पर दल बैठक बुलाई जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आगे आए और उन्हें समर्थन देने की बात कर रहे हैं। वही फिर से जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जो जमशेदपुर पूर्वी जो हमेशा से हॉटलेस यानी हॉट सीट माना जाता है तो वहीं पर इस बार भी वही देखने को मिल रहा है जो पिछले चुनाव में देखने को मिल रहा था, जहाँ पे और वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और वर्तमान के गवर्नर गवर्नर रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास यहाँ पे साहू के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये अब बहुत दिलचस्प बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों नेता थे और ये दोनों आपस में विरोधी होते हो सकते हैं। और मैं बता दूं कि आज जो घोषणा करी वो नामांकन कर रहे हैं और ऐसा कई चीज है जो है वो सामने आ रहा था। वही मैं बता दूं कि जमशेदपुर पश्चिमी में भी इस तरह का विरोध देखने को मिल सकता है। राजीव रंजन जी और वीरेंद्र सिंह लगातार अपना दावेदारी पेश करते हुए दिख रहे थे और अब उन्हें सीट नहीं मिला है और जिस तरीके से यहाँ पर जदयू के लिए जमशेदपुर पश्चिमी से सचिन राय को चुन लिया गया है तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निराशाजनक हो गया। वहीं पे एक और सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि कोटा विधानसभा जैसे कहा जा रहा है कि कोटा विधानसभा में जिस तरीके से मेघा सरकार ने जो है इस्तीफा दे दिया है, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर देखा जा रहा था कि मीरा मुंडा को जैसे ही सीट मिला उसके बाद ही उनका इस्तीफा आ गया है और सरायकेला से देखा जा रहा था कि जैसे ही यहाँ पे चंपई सोरेन को सीट मिला है उसके बाद देखा जा रहा है कि गणेश महाली जो है इस्तीफा दे रहे हुए दिख रहे हैं। तो वही मैं बता दूं मैं नवीन की हर विधानसभा में जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट जो जारी किया गया है उसके बाद से ही विरोध देखने को मिल रहा है।
चलिए, तो विरोध शुरू हो गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता ही इस विरोध की शुरुआत कर दी है। कई जगहों पर भी ये मामले सामने आए हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं का खुलकर विरोध हो रहा है, और देखना होगा कि इस विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटती है। बहुत बहुत धन्यवाद लाला जुबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।